वेलकम बैक। इस क्वेश्चन ने पूछा है आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन विच स्ट्रक्चर इज लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो हम लोग को पता है लेस स्टेबल विल हैव लेस कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोर स्टेबल विल हैव मोर कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। तो याद रखना है लेस स्टेबल will have less contribution, ठीक है। तो अब देखो हम लोग को less stable पता करना है। तो देखो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए पहले पाई बॉन्ड चेक कर लेते हैं। वन पाई दे ऑल है वन पाई। तो अब पाई बॉन्ड से तो फैसला होगा नहीं, पाई बॉन्ड से आप डिसाइड नहीं कर सकते। तब चार्ज पे आए सो देखो माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए और प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तब स्टेबल हो जाता है। माइनस ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड प्लस ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ देखो माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ऑक्सीजन पे और प्लस कार्बन पे। यहाँ पर माइनस कार्बन पे प्लस भी कार्बन पे। अभी आगे बढ़ते देखते समझ में आएगा। माइनस ऑन ऑक्सीजन प्लस ऑन कार्बन, ठीक है। माइनस ऑन ऑक्सीजन प्लस ऑन कार्बन, तो दिस इज ऑल्सो स्टेबल। यहां माइनस कार्बन पे प्लस भी कार्बन पे। अब इन दोनों में चेक कर रहा है क्यों, क्योंकि यहां पर तो और यहां क्या है माइनस कार्बन पे ऑक्सीजन पे, तो दे आर मोर स्टेबल देन दिस। अब इन दोनों में कौन ज्यादा कौन लीस्ट स्टेबल है, दे विल बी लेस स्टेबल बिकॉज माइनस इज ऑन कार्बन। अब देखो इस माइनस को जरा ऑब्जर्व कीजिए और इस माइनस को ऑब्जर्व कीजिए। नाउ दिस माइनस इज क्लोजर टू ऑक्सीजन एंड दिस माइनस इज फर्दर फ्रॉम ऑक्सीजन। तो हम लोगों को क्या पता होता है माइनस इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड माइनस इज मोर स्टेबल क्लोजर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां माइनस इसके क्लोज है, दिस विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ये माइनस आई कर सकता है। बट यहां पर माइनस दूर हो गया ऑक्सीजन से, सो दिस विल बी लीस्ट स्टेबल, दिस विल बी लीस्ट स्टेबल, इसका ध्यान रखें। एक और चीज है कि ये जो प्लस है ना, ये प्लस जब अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये प्लस यहां जंप करेगा, दिस इज नॉट स्टेबल, प्लस ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं होगा। बट ये माइनस इसके साथ जब रेजोनेंस बनाएगा ना, तो ये माइनस ऑक्सीजन पे जंप करेगा, दिस विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस, सो दिस विल बी लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर।